हेलो फ्रॉम भीमास, लेट्स कुक लाइक भीमास एंड मंच लाइक भीमास। तो कैसे हैं आप सब? भाई मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ और थोड़ी खुश भी हूँ क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई थी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आजकल की बिजी जिंदगी में हम अपने बॉडी का बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हैं और प्रोटीन्स और फैट्स और विटामिन वो तो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो हम आज एक ऐसा डिश बनाएंगे इसमें प्रोटीन्स के प्रोटीन्स भी होंगे और विटामिन्स के विटामिन्स भी। तो स्टार्ट करें। तो सलाद बनाने के लिए पहले हम लेंगे वाइट चने। इसे पहले से ही हमने सोक कर लिया था 5 to 6 hours और बॉईल कर लिया था। हम लेंगे वाइट चना 2 cups और फिर हम उसमें डालेंगे ऑनियंस 1/2 cup। उसे छोटे छोटे पीसेस में ही कट करना है और फिर हम उसमें डालेंगे टोमेटोस और वो भी 1/2 cup। और फिर हम डालेंगे कुकुम्बर क्योंकि कुकुम्बर में फाइबर बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर हम डालेंगे डाइस्ड पनीर, पनीर में भी प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर हम डालेंगे स्प्राउट्स, ये स्प्राउट्स बहुत ही फाइबर रिच है। स्प्राउट्स के लिए मैंने लिया है ग्रीन ग्राम और काला चना। मैंने इसे एक दिन पहले ही भिगो लिया था और नेक्स्ट डे एक क्लॉथ में टाई कर लिया था। तो नेक्स्ट मैंने डाला इसमें ग्रीन चिलीज, उसे भी छोटे पीसेस में कट करिएगा। फिर मैंने डाला धनिया पत्ता। हम सारे वेजेस को सेम साइज़ में काटेंगे ताकि जब हम खाएं तो हर एक बाइट में हर एक वेजी आए। तो हम इसे मिला लेंगे, इस सलाद को ज़्यादा ना मिलाएं क्योंकि हम ज़्यादा मिलाएंगे तो वो पनीर टूट जाएगा और वो पाउडर बन जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि हमने डाला है। इस सलाद में आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी वेजेस डाल सकते हैं। तो फिर हमने एक बाउल लिया है और फिर हम डालेंगे उसमें ऑलिव ऑयल। उसमें विटामिन ई और विटामिन के बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। वैसे तो ये ऑलिव ऑयल ऑप्शनल है पर अगर आप डालोगे तो आपको विटामिन्स भी मिलेंगे और प्रोटीन्स भी मिलने वाले हैं। तो फिर हम उसमें डालेंगे लेमन जूस को भी हमें 1 tablespoon ही डालना है। लेमन जूस में विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा होता है। इसे अच्छे से मिला लेंगे, फिर हम इसे एक साइड में रख देंगे और बाद में इसे सलाद में डाल लेंगे। फिर हम अपने सलाद में डालेंगे रोस्टेड पीनट्स। भाई मुझे तो रोस्टेड पीनट्स बहुत ही पसंद है। इस पीनट्स में प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी फैट भी होता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर हमने डाला सॉल्ट, उसे अपने स्वाद अनुसार डालिए। फिर हम डालेंगे इसमें पेपर पाउडर, इस पेपर में आयरन ज़्यादा होता है। फिर हम डालेंगे इसमें रोस्टेड जीरा और फिर हम डालेंगे इसमें चाट मसाला। चाट मसाला भी ऑप्शनल है पर डालेंगे थोड़ा चटपटा टेस्ट आएगा। फिर हम डालेंगे इसमें ऑलिव ऑयल और लेमन जूस का मिक्सचर। डालने के बाद उसे अच्छे से मिला लीजिएगा। इस सैलेड को छोटे बड़े सारे लोग खा सकते हैं क्योंकि इसमें टेस्ट तो है पर हेल्दी भी है। तो अच्छे से मिलाने के बाद इसे सर्व करिएगा। तो देखिए हमारा ये सैलेड तैयार हो चुका है। ये हेल्दी तो है पर टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा है। तो सारे लोग अपने घर पे ट्राई कीजिएगा इस सैलेड को। आप इस सैलेड में अपनी मर्ज़ी के सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो देखिए कितना ही टेस्टी और यमी लग रहा है हमारा ये हेल्दी सैलेड। ये सैलेड अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद पूरा चटमट कर जाना, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इसे ट्राई करवाइएगा। होप यू ऑल लाइक दिस हेल्दी सैलेड। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना मत भूलिएगा। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल भीमास किचन। अगर आप अपने घर पर ट्राई करेंगे ये वाला डिश तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम IDVimasKitchen पर शेयर करना मत भूलिएगा उसका पिक्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।